Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss your EBS book, Absolutely Environmental Study, Holyfield Publication. New chapter name is Our Resources. New chapter, 14th chapter is new chapter. Today we are going to discuss our resources. First point is natural resources. Second point is classification of natural resources. See, first point is natural resources. Resources divided to two: natural resources, then second is human resources. Natural resources divided in inexhaustible resources. Inexhaustible resources is sunlight, air and water. तो आज हम आपकी जो टॉप चैप्टर है, 14 चैप्टर, उसकी नेम है आवर रिसोर्सेस, और उसमें हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. पहला पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेस और सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. जैसे रिसोर्सेस को हम देखें कि उसमें टू में डिवाइड किया गया है. एक तो है नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस को भी टू में डिवाइड किया गया है. इग्निजेस्टिबल रिसोर्सेस है और फिर एग्जस्टिबल रिसोर्सेस. तो आज हम इग्निजेस्टिबल रिसोर्सेस के बारे में देखेंगे. तो इग्निजेस्टिबल रिसोर्सेस क्या है? सनलाइट है, एयर है, वाटर है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है. वो रिसोर्सेस के बारे में हम देखेंगे, जो हम उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वो क्या क्या चीज़ है हमारी जो डेली लाइफ में, उसको हम देखेंगे आज. आपकी जो पेज नंबर, आपकी बुक की जो पेज नंबर 110 और 111, आगे भी हम स्टडी करेंगे. तो ओके, लेट्स बिगिन. वी कैनॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन आवर सर्वाइवल. तो हम जैसे देखते हैं कि हम वाटर और फिर एयर के बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि एयर हमें ऑक्सीजन देता है. जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ब्रीथिंग करने के लिए, वाटर हम क्या है, ड्रिंकिंग करते हैं. तो इसके बिना बिल्कुल हम जी नहीं सकते. प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन आवर सर्वाइवल. जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स भी, उनका जो मेजर रोल है इस सर्वाइवल के, जो रहते हैं यानी कि जीवन में, तो उनका भी मेजर क्या है, रोल यहाँ पे है. रॉक्स, मिनरल्स, सॉयल, सनलाइट एंड इवन फॉसिल फ्यूल्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. जो ये चीज़ें हैं, उपयोगी चीज़ें हैं, जैसे कि रॉक्स है, मिनरल्स है, सॉयल है, सनलाइट और फिर फॉसिल फ्यूल्स है, ये सारे हमारे जो क्या है, यूजेस में आती है. तो अलग अलग वेस में ये कैसे यूजेस में हमारी जीवन में आती है, हम देखेंगे. पहले है नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय नेचर दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस. जो मटेरियल्स हमें नेचर प्रोवाइड करता है और उसमें ह्यूमन जो सेटिस्फाइज होता है और उसकी ज़रूरी पूरी होती है, उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस. ग्रेजुअली मैन केम अप विथ न्यू वेज टू मेक अस ऑफ दिस रिसोर्सेस. जो कि हम देखते हैं साधारण तौर पर, जो मनुष्य है, केम अप विथ न्यू वेज, यानी कि नया जो तरीका है, नया रास्ता है, टू मेक यूज फॉर दिस रिसोर्सेस. तो उसमें वो क्या न्यू यूज किया है रिसोर्सेस को, उसके बारे में हम देखें. दिस हैज चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल. पीपल का लाइफ स्टाइल डे बाई डे चेंज होती जा रही है. इट हैज़ रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मेड ऑफ लिव्स कम्फर्टेबल. यानी कि पहले ज़माने तो फुट में जाते थे, चलते थे, लेकिन आजकल ज़माने में क्या, धीरे धीरे वो जैसे क्या है, बुलोकट का यूज किए. पहले एलिफेंट में बैठते थे, हॉर्स में बैठते थे, और धीरे धीरे वो चेंज होता गया एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट के लिए. और फिर धीरे धीरे व्हीकल आ गया, साइकिल, साइकिल के बाद धीरे धीरे मोटरसाइकिल, फिर फोर व्हीलर्स, ऐसे हो के क्या है, बहुत आजकल क्या है, बहुत स्टैंडर्ड व्हीकल्स चाहिए उनके लिए, और फिर उनका लिविंग जो स्टाइल है वो भी चेंज हो गया, और कंफर्टेबल ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर वो लोग चाहते हैं. वी नीड टू कंसर्व देम. कंसर्वेशन मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज वाइसली एंड प्रिजर्विंग देम फॉर फ्यूचर.
यूज, जैसे कि प्राकृतिक वातावरण को हमें संरक्षण करना चाहिए और उसका मतलब वाइसली यानी कि दिमाग के लिए बहुत बुद्धिमान के साथ हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए, हमारे फ्यूचर को यूज करना चाहिए। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस रिसोर्सेज, तो हमें बहुत बुद्धि, अगर हम मूर्ख के जैसे हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारी ही हानि हो पाएगी, इसलिए हमें बहुत वाइसली हमें उसको क्या है यूज़ करना ज़रूरी है। तो हम आज लर्न करने के लिए जाएंगे क्या है रिसोर्सेज के बारे में, क्या क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इग्निजेस्टिबल और फिर एग्जस्टिबल, तो ये दोनों हैं। इग्निजेस्टिबल्स मतलब होता है कि जो ख़त्म नहीं होती है, और फिर एग्जस्टिबल का मतलब होता है कि जब समाप्त हो जाता है। इग्निजेस्टिबल रिसोर्सेस दे आर ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि जो ऊर्जा के स्रोत अस्थाई है तो वो रिसोर्सेस है ना, उसको बोलते हैं इग्निजेस्टिबल रिसोर्सेस। दे डू नॉट गेट एक्सटेड एंड आर कॉल्ड इन इग्निजेस्टिबल रिसोर्सेस, वो क्या है, कभी भी वो ख़त्म नहीं होता है ऊर्जा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि नेचुरल है, नेचुरल में क्या है उसको कोई मनुष्य ने उसको मैनमेड नहीं किया है, लेकिन वो क्या है नेचुरल, जैसे कि सनलाइट है और फिर उसके बाद वाटर है और फिर क्या है एयर है, विंड है, ये सारे क्या है नेचुरल इग्निजेस्टिबल रिसोर्सेस हैं। उसके बाद एग्जस्टिबल रिसोर्सेस दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये जो एग्जस्टिबल रिसोर्सेज को हम दूसरा नाम में भी ये बोल सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि गैर नगरीकरण, नॉट एबल टू बी रिन्यूड। दे कैनॉट बी रीजनरेटेड इजीली वंस एक्सहॉस्टेड, हैंस आर कॉल्ड एग्जस्टिबल रिसोर्सेज। These resources can only be regenerated over a long period of time under appropriate condition. Coal, petrol, minerals, forests, etc. are example of source of resources. जैसे कि ख़त्म हो जाती है तो जंगल को हम दोबारा उसको लगा सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म करना नहीं चाहिए। किसी भी वस्तु को बिना अनुमति अपने उपयोग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, तो ये हैं आपके जो रीजनरेटर यानी कि दोबारा उसको जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इन इग्निजेस्टिबल रिसोर्सेस में, जैसे पहला है रॉक एंड मिनरल। रॉक और मिनरल जैसे कि हमें क्या है धरती में मिलती है, ये अर्थ में मिलती है। रॉक्स आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑन द अर्थ एट द बॉटम ऑफ ओशियन एंड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो ये सारे वस्तु क्या है पूरा बॉटम यानी कि पूरा निचला भाग में ये मिलता है, अर्थ का निचला भाग में मिलता है, और इस वस्तु की आंतरिक भाग भी होते अंडर पूरा अंडरग्राउंड में ये मिलता है। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर एक्ट ऑन देम एंड ब्रेक देम डाउन इनटू टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड सॉइल्स, यानी कि छोटा छोटा जो छोटा बहुत छोटा अंश जो होता है उसको हम बोलते हैं सॉइल। मिनरल्स लाइक एल्यूमिनियम, मीका, आयरन और कॉपर और जिंक और एंड मेटल्स लाइक प्लेटिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑल ऑब्टेंड फ्रॉम रॉक्स, तो ये रॉक्स से मिलने वाले सारे वस्तु कौन कौन सा है, जो कच्चा वस्तु कौन कौन सा है, जैसे कि हम देखें मिनरल्स है और एल्यूमिनियम है, मीका है, आयरन और है, कॉपर और है, जिंक और है और मेटल्स, और फिर देखते हैं कि प्लेटिनियम भी मिलता है और गोल्ड और सिल्वर, ये सारे हमें रॉक से मिलते हैं। उसके बाद फ्लेट्स पर क्वार्ट्ज, लैमस्टोन, पुमाइस एक्सेट्रा आर आल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम रॉक। उसके बाद भी जो भी चीज़ें हम यहाँ पे देखें कि फ्लेट्स पर क्वार्ट्ज, लैमस्टोन, पुमिक्स और ये सारी चीज़ भी हमें कहाँ से ऑब्टेंड होता है, रॉक से ही ऑब्टेंड होती है।
सोयल के बारे में देखते हैं। हम सोयल में क्या करते हैं, खेती वगैरह हम फसल करते हैं सोयल में। तो सोयल कॉन्टेंट्स लोस पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स मिनरल्स एंड डीकम्पोज्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स मैटर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो छोटा छोटा जो बहुत छोटा मिट्टी का जो अंश है, तो उसके ऊपर क्या है, रॉक्स है, ये पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स है, मिनरल्स और फिर डीकम्पोज्ड एनिमल एंड प्लांट्स मैटर। डीकम्पोजमेंट जो कि जो जानवरों से मिलती है जो खाद वगैरह है वो, इट फॉर्म्स ऑफ द टेम्पोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये एक फॉर्म है या टेम्पोस्ट लेयर ऑफ अर्थ की सरफेस की, जो इट इज़ वेयर द मोस्ट लाइफ फ्रॉम एग्जिस्ट, यानी कि जीवित रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल एंड प्रोड्यूस फूड। प्लांट्स में हम क्या है, सॉइल में हम क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करता है कौन, प्लांट्स हमें फूड देता है। तो हमें सॉइल में ही प्लांट्स को ग्रो करते हैं। सॉइल इज लूजेंड और कैरिड अवे बाय द वेरियस नेचुरल एजेंट लाइक विंड, फॉलोइंग वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच आज ग्रेजिंग बाय एनिमल्स फॉर अपरूटिंग ट्रीज, दिस कजिंग सॉइल एरोशन। यानी ज़्यादा मात्रा मिट्टी का जो क्षरण हो जाती है, यानी कि विंड होती है, हवा चलती है, फिर फ्लोइंग वाटर हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर क्या है, बारिश वगैरह होती है तो ज़्यादा, और फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में होती है, और फिर ज़्यादा जहाँ की बहुत बड़ा फील्ड में क्या है, एनिमल्स वगैरह क्या है, पूरे फील्ड को वो क्या है, ख़त्म कर देते हैं खा के। तो ये सारी चीज़ों को क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या होती है, मिट्टी की क्षरण हो जाती है। सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि इसका सॉइल को हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं। सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, क्या क्या है, प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर हमें ट्रीज लगाना चाहिए। चेकिंग ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर जो ग्रेजिंग करते हैं एनिमल्स जो खाते हैं, तो उसको है ना चढ़ जाते हैं, किसी भी किसी फील्ड में हम छोड़ देते हैं उन लोग तो चढ़ जाते हैं, उसको भी ध्यान देना चाहिए। मेकिंग एम्बैंकमेंट और बाउंड्स ऑन हिल्स स्लॉपर्स एंड अराउंड फील्ड्स टू प्रिवेंट द वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल एंड इट्स न्यूट्रंस ड्यूरिंग हैवी रेन्स। जैसे हैवी रेन्स होती है, ज़्यादा बाढ़ यानी कि बारिश होती है, रेनफॉल होती है और फ्लड वगैरह हो जाती है, तो क्या होता है ये कि पूरा मिट्टी क्या है चल जाती है, यहाँ बह के चल जाती है, तो उसका जो भी यानी कि उसमें जो भी उसका जो मिनरल्स वगैरह वो भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें बांध और तटबंध की व्यवस्था करना चाहिए। वाटर, वाटर के बारे में हम देखो, वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। सारे सर्वाइव के लिए जितने भी जिंदा प्राणी हैं और लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी को क्या है, वाटर की ज़रूरी है, क्योंकि वाटर ड्रिंकिंग के लिए होता है और अदर्स वे में है उसको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड डी डोमेस्टिक पर्पज, यानी कि हम इसको ड्रिंकिंग भी करते हैं, हमारी जो घर की जो कार्य है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड इरीगेशन, यानी कि खेती जुताई करने के लिए और फिर इरीगेशन पानी, जैसे कि क्रॉप लगाने के बाद यानी कि बीज बुनने के बाद भी उसमें पानी देने के काम इसमें करता है। फ्लोइंग वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच इज देन सप्लाइड टू वेरियस प्लेसेस, इट इज ऑल्सो यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। जैसे कि ब्लोइंग वाटर को यूज़ करते हैं किसके लिए, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होता है और फिर वो बहुत जगह में उसको सप्लाई किया जाता है, अलग अलग जगह में और फिर अलग अलग इंडस्ट्री में इसको यूज होता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो इसको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, पहले हम देखें सॉइल का कंजर्वेशन, अभी इसका देखें। वाटर कैन बी कंजर्व बाय द फॉलोइंग मेथड, प्रिजर्विंग वेस्टेज वाटर, वेस्टेज वाटर को हमें रखना चाहिए, और फिर एक्सेस वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन्स कैन बी स्टोर बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक डैम्स रिजर्विंग एंड द
बैरस, यानी कि बड़ा जलाशय में हम ज़्यादा गांव के लिए, दूसरे जगह के लिए यूज होने के लिए एक बड़ा जलाशय को निर्माण करके उसमें रखना चाहिए, और जिसमें कि विशेष क्षेत्र को के लिए यूज करने के लिए रखा जाता है जल, उसके लिए हमें ध्यान देना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज ऑल्सो हेल्प द स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि रेन वाटर को भी हम टेक्निकल के जरिए हार्वेस्टिंग करना चाहिए, और फिर उसके बाद उसको स्टोर कर रखना चाहिए, जब वाटर ख़त्म हो जाए तो हम उसको यूज़ करें। तो बच्चों आज के लिए इतना, फिर हम आगे के दिनों में आगे टॉपिक देखें। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।